तो दोस्तों आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, जी हाँ, उसी प्रकार से रॉकेट की तरह आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ने वाला है। जो मैं आज आपको पांच बातें बताऊंगा, वो सबसे जेनुइन बातें बताऊंगा, हमारे पर्सनली जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने यहाँ पर पिछले 4 साल से हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो पूरा मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। किस प्रकार से आप लोग अपने रुके हुए क्रेडिट स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं, घट गया तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ा हुआ है तो उसको वहाँ पर शिखर तक, यानी आप उसको वहाँ पर 850 तक किस प्रकार से हमेशा मेंटेन कर सकते हैं, तो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत काम काम से बताऊँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भारत की जितने भी क्रेडिट एजेंसियाँ हैं, उन सभी का आपको रिपोर्ट को डाउनलोड करना है, चाहे वो आपके एक्सपीरियन हो, चाहे सिविल हो, चाहे इक्विफैक्स हो या CRIF हाई मार्क, चारों का आप लोग ऑफिशियल तरीके से उनकी क्रेडिट रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वह साल में और 6 महीने में वो आप एक या दो बार वहां पर फ्री रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन देती है, थर्ड पार्टी ऐप के चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं कि कैसे उनको लॉग इन करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो यार लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसके बाद में आपको उसमें आपको जो भी ऐसा लोन लगता है कि भैया जो आपने लिया नहीं फिर भी वहाँ पर चढ़ा हुआ है, या गलत लोन या गलत एंट्री, चाहे वो आपके लेट पेमेंट की हो, किसी प्रकार की गलत एंट्री हो रखी है, वो वहाँ पर आप लोग डिस्प्यूट डालेंगे, उसको ठीक करेंगे। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है दोस्तों। ठीक है, दूसरा काम मैं आपको बता दूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा आप लोग अपने सिविल स्कोर को लगभग 350 पॉइंटों तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, वो 350 पॉइंट लेके चलता है। वो क्या, अगर आपने पहले ऑन टाइम पेमेंट नहीं किया, आपका डिले हो गया, लेकिन अगर आज के बाद भी अगर आप लोग रेगुलरली, अगर आप लोग 3 से 4 महीने या लास्ट 6 महीने के अंदर आप लोग रेगुलर अगर आप लोग अपना EMI को पे करेंगे, तो 101% आपका स्कोर 300 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी, जैसे आप पे ऑन टाइमिंग करेंगे ना, तो वो आपका 30% मार्क करता है, यानी कि भैया 30%, यानी 300 पॉइंट आपके हाथ में है, अब भी आप उसको बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरे बात से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 300 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, जो बहुत ही खास है, और मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ बहुत ही गजब की बातें बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऑफिशियल चीज़ें बताता हूँ। तीसरा, आपको याद रखना, अपना क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट का उपयोग आपको 30% से ऊपर नहीं करना है, मैक्सिमम 40%, बस इससे ऊपर आप लोग चाहे कितना ही उसका टाइमली रिपेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। रिपेमेंट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ यहाँ पर, यूटिलाइजेशन का मतलब, मान लीजिए आपके पास में 5 है 6 है 10 है, कितने क्रेडिट कार्ड है, उनकी मान लो सबकी लिमिट 1 लाख रुपए, आपको वहां पर 30,000 से ऊपर का वहां पर इस्तेमाल नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने वहां पर 40,000 50,000 खर्च किया, फिर आपने उसको चुका दिया, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर 101% घटेगा, वहां पर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप लोग कर्जे की जिंदगी जी रहे हैं, आप कर्जा ले लेकर जी रहे हैं। अगली चौथी पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कहीं लोन लेने के लिए जाते हैं, एक जगह आपको लोन नहीं मिल रहा, दूसरी जगह नहीं मिला, तीसरी जगह नहीं मिल रहा, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई मत करो यार, तुम लोग थोड़ा सा रुक जाओ, पेशेंस रखो, सिविल को बढ़ने दो, उसके बाद में बैंक और NBFC वाले मरते हैं लोन की, उनका अच्छी फाइलें चाहिए, लेकिन आप और हम 5,000-5,000 रुपये का इंस्टेंट लोन पे के चक्कर में अपना पूरा करियर खराब करवा लेते हैं दोस्तों। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ये आपकी हार्ड इंक्वायरीज होती है, और हार्ड इंक्वायरीज आपके क्रेडिट स्कोर को जरूर डाउन करती है दोस्तों। पांचवी और बहुत ही काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जितने भी पुराने वाले क्रेडिट कार्ड हैं, या पुराने वाला जो आपका लोन चल रहा है, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड चल रहा है, ठीक है, वो अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं कर रहा है, या आपको ज़्यादा वहाँ पर नुकसान, आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप लोग उस कार्ड को बंद मत करवाइए, उसको चलता रहने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पुरानी होगी, आपका क्रेडिट स्कोर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो मैंने आज आपको पाँचों बातें बताई, बहुत ही काम की बातें बताई, पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब